हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ चना दाल साग की रेसिपी। और चना दाल के साथ जो साग मैं ऐड करने वाली हूँ उसका नाम है पाट पाता, या आप इसे जूट लीव्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो साग होती है ये बंगाल में गर्मियों के टाइम में ही पाई जाती है, यानी मानसून के टाइम में ही ये पाई जाती है। और गर्मियों के टाइम में इसे खाना बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज इट्स रिच इन प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड डाइट्री फाइबर्स। और ये जो साग होता है ये दाल के साथ, माने आप किसी भी दाल के साथ इसे बना सकते हैं, जैसे कि आप मसूर दाल के संग बना सकते हैं, चना दाल के साथ या मटर दाल के साथ। और ये जो पाट पाता होता है ये दिखने में इस तरीके का होता है, देखिए। तो हमें इसको क्या करना होता है, इसके पत्तों को इस तरीके से तोड़कर साफ करना होता है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इन्हें साफ किया। तो यहाँ पर इस पत्ते में से इस तरीके से ये जो इसका पार्ट होता है ये वाला, ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसे हमें रिमूव कर देना होता है और इस तरीके से इन्हें साफ़ करना होता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से धोकर काटकर रफली चॉप किया है सिर्फ, और इस तरीके से रखा है मैंने। तो अभी हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर चना दाल लिया था जैसे भिगा कर रखा था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा साग पाट पाता, और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी और 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 कप के बराबर पानी, और इसे हम 3 सीटी लगाने तक का वेट करेंगे। और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 फोरन। 5 फोरन में आता है फेनुग्रीक सीड्स, फेनल सीड्स, नाइजोला सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स। और साथ में लाल सूखी मिर्च ली है और 1 तेज पत्ता लिया है। तो इससे क्या होता है, इसमें दाल में जो हम तड़का लगाएंगे उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए आज मैं 5 फोरन के साथ ये चीज़ें ऐड करके ही दाल बनाऊंगी। और हमने जो दाल बॉईल की थी, देखिए वो बॉईल हो चुकी है अच्छे से। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोग। तो कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया है 1 बड़ी चम्मच के बराबर, और यहाँ पर जो मैंने 5 फोरन और लाल मिर्च और तेज पत्ता लिया था उसके साथ मैंने हरी मिर्च ऐड की, और इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अभी पकाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए। और देखिए अभी इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, तो चेक करेंगे। तो मैंने चेक किया है कि इसमें थोड़ा सा नमक और मुझे थोड़ा मीठा कम लगा है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, हल्का सा मीठा यानी 1/2 टीस्पून के बराबर ब्राउन शुगर और नमक ऐड किया मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर से मैंने 5 मिनट के लिए कवर किया था इसे। तो अभी देखिए ये अच्छे से कंसिस्टेंसी इसका थिक हो गया है, अभी रखने के बाद थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। तो ये बनकर रेडी है, तो चलिए बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा पाट पाता दिए छोला दाल बिल्कुल बनकर रेडी है, और ये गरम गरम राइस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आप जहाँ पर रहते हैं अगर पाट पाता आपको मिलता है तो आप इसे बिल्कुल बनाकर खाइए। आप इसे किसी भी दाल के संग बनाकर खाएंगे आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।